कि जिस तरीके से मार्केट में हम देख रहे हैं कि चाहे वो ओएमसीज हो चाहे रिफाइनर्स हो, वहां पे टोन पॉजिटिव है। ओएनजीसी में भी देखिए बायस ब्रॉडली अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही है, बिकॉज आप रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहे हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में ही बाय किया है क्योंकि इन्हीं लेवल्स के पास ही ट्रेड कर रहे हैं, इनके बाइंग लेवल के पास। देखिए नजरिया चाहे 3 महीने का हो चाहे 3 दिन का, मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म बाइंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो, क्योंकि आप स्टॉक और इंडेक्स दोनों ही रिकॉर्ड हाइस पे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आपको। बिकॉज अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो इट कुड बी शार्प, और अगर ट्रेंड को मेंटेन रखना है तो ज्यादा बड़े करेक्शन की बेसिकली वेट नहीं करनी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है अभी इमिडिएट करीब 310 के पास, तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपको 3 महीने या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वेट करना है। उसके बाद बायस साइडवेज टू नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, जो कि शायद स्टॉक को 290 और उसके नीचे ले जाए। तो अभी के हिसाब से आपको बने रहना चाहिए, 310 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें। ऊपर पे 340 से 45 का जोन है, वो पहला पड़ाव होगा, उसको ब्रेक करेंगे तो फिर नए हाइस।